हाय गुड आफ्टरनून, सास बहू और सेंसेक्स के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन है, मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते .com के सतपुते साहब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आए। और अभी ब्रेक पे डॉक्टर साहब ने सतपुते साहब को काट रखा था। सतपुते साहब बता हो, आप देश के जाने माने चार्टिस्ट, पर जब आप नीचे काम कर रहे थे ऐसा लग रहा था कोई बड़े MNC का CEO काम कर रहा हो। मस्त गोल्डन फ्रेम चमक रहा था, नीचे आप बिजी थे लैपटॉप पे कुछ स्टॉक्स जो भी ढूंढ रहे होगे। वही मैं कह रहा था, बिल्कुल इंडिया इंक का फील आ रहा है सतपुते साहब को देखकर। सतपुते साहब आ रहा हूँ आपके पास, अपन बातचीत की शुरुआत करेंगे, लोगों की क्वेरीज सॉल्व करेंगे। पहले इस शो सास बहू और सेंसेक्स में रीच आउट करने के तमाम तरीके आपके सामने रख देता हूँ। ये है सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट करना, यानी कि एक्स जिसे अपन ट्विटर कहते हैं, इंस्टाग्राम और थ्रेड के IDs, प्लस हमारा व्हाट्सएप नंबर। जो कन्वीनियंट हो अपनी क्वेरीज वहां पे भेजिएगा। थोड़ा पेंडिंग होंगी क्वेरीज, रिप्लाई करने में टीम को टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों ने कर रखा और अब तक रिप्लाई नहीं आया तो आप उम्मीद मत हारिए। अगले कुछ ही दिनों में, या शायद आज या आने वाले दिनों में ही, हमारी गेस्ट टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी सवालों को और आपको शेड्यूल करेगी आने वाले दिन। खैर मार्केट्स ठीक हैं, पर ठीक हैं कि पीके हैं ऐसा कह लीजिए, हरे में हैं पर ऑफ डेज हाईज हैं। हम 0.5% से 2/3% मजबूती के साथ जरूर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन आज शुरुआती ट्रेड में 380-382 तक के जोन्स पर गए थे, यानी कि 325 अंक मजबूत थे। वो 325 अंक मजबूत वाला कह लीजिए 125 अंक ही मजबूत रह गया है, तो ऊपर से 200 पॉइंट हल्के हैं और कहने के लिए 100-125 पॉइंट मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। रिस्पाइट यह है कि दो दिनों की तगड़ी पिटाई के बाद आज रिस्पाइट तो है, हरे निशान में तो एटलीस्ट कामकाज हो रहा है, पर दिक्कत यह है कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी एज वी स्पीक लाल टिक्स में आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, तो फिर निफ्टी तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स क्योंकि हैवी वेट पॉकेट हो जाती है, वो मदद नहीं कर रही। मदद कौन कर रहा है? अलग अलग सेक्टर दिग्गज, रिलायंस, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई HUL, ITC, इस तरह के पेडिग्री और स्टॉक्स में मदद कर रहे हैं। और खासतौर पर रिलायंस वो हैवी वेट, खासतौर पर बाजार पेन में आया था बीच में जब प्रेशर आया था, और आज बढ़िया पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करता हुआ, ये समीकरण है। अब तक वो अपडेट्स ग्लोबल फ्रंट पे नहीं, तो हम कह ही रहे थे आज सुबह रिकवरी थोड़ी सी फ्रेजाइल हो सकती है, तो ऐसा अभी फिलहाल टिकी तो नहीं ऊपरी स्तरों पे, हरे में है। सतपुते साहब ये मुश्किल, हाँ इंडिया विक्स इसलिए दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, कल भाई 40% ऊपर बंद हुआ था, आज थोड़ा डर कम हुआ है, पूरा तो कम नहीं हुआ है, तो 10% नीचे इस समय इंडिया विक्स कामकाज करता हुआ। सतपुते साहब क्या लग रहा है चार्ट वार्ट को देखकर, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है या यार थोड़ा बाहर बैठ के लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड आने वाले दिनों में, उसके बाद फैसला करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड आशीष जी जब मैं नीचे देख रहा था तो मैं निफ्टी के लेवल्स, मुझे पता था अभी निफ्टी के लेवल्स पे डिस्कस करना था, एक्चुअली आई वाज जस्ट राइटिंग इट डाउन कि थोड़ा टाइम बचता है। आशीष जी देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली आज जो देखा हमने मार्केट में, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वॉज अ डेड कैट बाउंस, आप कह सकते हैं कि होप ट्रेड था वो, और होप ट्रेड के बाद ठीक है कोई 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 सेक्टर है जो थोड़ा संभला है, कोई सेक्टर जो है थोड़ा सा अभी तक होल्ड करके रखा है, बट मोटा मोटी कल जिस तरह से आप कह सकते हैं डिटोरिएशन हुआ था, कल FII का फिगर्स दिखे कितना हीवी सेलिंग था, ये तो अच्छा हुआ कि DIS ने उसको कंपनसेट किया, लेकिन मोटा मोटी चार्ट के ऊपर आप कह सकते हैं डेंट पड़ा है निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए 24,350 से लेकर 24,400 ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर रहेगा, जब जब उछाल आएगा निफ्टी इस लेवल के आसपास अटकेगा। वेयरएज मुझे लगता है 24,000 का सपोर्ट है, अगर आशीष जी 24,000 टूटता है फिर मुझे लगता है इस टाइम सेलिंग थोड़ी इंटेंस होगी, तो मैं क्लाइंट को यही बेसिकली टेक्सचर बिकवाली का है, उछाल में बिकवाली करो या नीचे के थ्रेशोल्ड पे रीच होते हैं तो बिकवाली करो, ऐसा जी प्रॉफिट नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन थोड़ा कैश पे बैठ जाओ ज्यादा को करेक्ट होने दो, सेटल होने दो। ओके, सवाल जो आप इससे की शुरुआत कर रहा हूं आज, असल में शो में आगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का टॉप मैनेजमेंट जुड़ने वाला है, तो उनसे भी बातचीत करने का थोड़ा सा स्पेस बनाना। गुड़गांव, भोपाल और मुंबई, यहां से क्वेरी सॉल्व करने का दिन, और गुड़गांव सबसे पहले नेहा जी के पास चला जा, दिखाइए सबको स्क्रीन पे। नेहा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम आपकी पहली क्वेरी। जी मेरी पहली क्वेरी सर, एक्चुअली आई हैव अ क्वेरी
फॉर एस आर एफ मेरे पास 400 शेयर्स हैं एस आर एफ के, विच आई बॉट एट 18 रुपीज। SRF 18 रुपए में खरीदा हुआ है? हाँ जी, 18 रुपए में खरीदा हुआ है कब खरीदा है? ये, इट वॉज अ गिफ्ट। अरे वाह। अब सवाल क्या है फिर, गिफ्ट रखना चाहिए कि मुनाफा बांधना चाहिए, जी ऐसा कुछ? हाँ, ये पूछना था कि शुड आई कीप दिस या फिर इसको निकाल दें, किसी और चीज में इन्वेस्ट करें। किसने दिया था गिफ्ट? मेरे चाचा ने। गजब चाचा है, चाचा जी ने गजब कर दिया है भाई, ये इससे बढ़िया गिफ्ट हो नहीं सकता। और अगर ऐसा चल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। सतपुत्र साहब क्या करें, ये गिफ्ट रख लें या कुछ मुनाफा बांध लें? आशीष जी, मैं चेक कर रहा था कि कब था ये इतना अठारह भाव, मुझे रुपये लगता है हाँ 2010 वाली, 2010 का टाइम था वो। तो आशीष जी, मुझे लगता है काउंटर अभी भी अच्छा है। काउंटर ये एक आप कह सकते हैं कि इफर्नो वाला काउंटर है, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग मुनाफे पे बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि 18 रुपए के लिए कितना क्या करना है, कितना मारामारी करना है। सो आई थिंक शी कैन कंटिन्यू टू होल्ड। मुझे लगता है कि एसआरएफ में एक 2400 का सपोर्ट बनेगा, बेस बन रहा है। वोलेटिलिटी होगी बाजार में, उठा पटक होगी, ये 2400 भी टेस्ट करेगा, तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल काउंटर में बने रहना ही ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली मुझे लगता है इसका जो टारगेट दिखता है वो 2800 से 3000 का होना चाहिए, बट उसके लिए वक्त है, उसके लिए टाइम है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है इतना अच्छा काउंटर है, आप बने रहे। काउंटर है, सॉलिड पेडिग्री, बहुत बढ़िया एक्विजिशन कॉस्ट है, काहे जल्दी? अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है नेहा मैम, तो रखिए इस स्टॉक को। ये भोपाल से रूबी खेत्रपाल जी। रूबी मैम हाय, गुड हेलो, आफ्टरनून। हाय, रूबी गुड मैम, आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, वेरी रूबी मैम, गुड पहला आफ्टरनून। सवाल आपका। रूबी मैम, सवाल दिख गया, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। हालांकि मैं सतपुते साहब को बता दूं कि भोपाल एक डेवलप्ड सिटी है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंटरनेट ब्रॉडबैंड का कोई इशू खास होता है। इस समय हो गया है सतपुते साहब, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन RVNL, सवाल है, 200 शेयर्स 224 ही खरीद, बढ़िया 560 पे चल रहा है सतपुते साहब। आई एम अज्यूमिंग रूबी मैम का सिमिलर सवाल होगा, बने रहूं या मुनाफा बांधूं, क्या करना चाहिए? आरबीएनएल की बात करें तो मुझे लगता है एक बार पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ले। यहाँ पे देखिए सपोर्ट की बात करना है, तो अगर मुझे लगता है जब तक ये 550 के लेवल मेंटेन करता है, 560 पे है, 550 का लेवल अगर मेंटेन करता है, तब तक शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ऊपर में 600-620 तक का मुंह यहाँ पे बनना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप इसको मंथली चार्ट पे लेके जाते हो, तो ये चार्ट जबरदस्त एक कह सकते हैं वी शेप, नहीं आई शेप रैली आप इसको कह सकते हैं, कि सीधा ऊपर है, तो कहीं ना कहीं लगता है एक बार के लिए इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा 50% प्रॉफिट टेकिंग करें, 50% होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 540, 600 के पार जाने के बाद अगर चाहे तो वो भी बांध लो ना। मुंबई से आरती अंजरिया मैम। आरती मैम गुड आफ्टरनून। आरती मैम आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून आशीष सर एंड राजेश सर, माय क्वेश्चन इज, आई हैव आरईसी शेयर्स ऑफ 1000 एट द रेट 562। हाँ, और ये कितना टाइम होगा लिए हुए मैम? 10 से 15 दिन। नो और ये ट्रेडिंग के हिसाब से ही लिया था या लंबी अवधि के लिहाज से लिया था? नो ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो मुनाफा बांधने का कब मन था आपका? मतलब 22-20 रुपए दिख रहा था, आप निकले क्यों नहीं? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और कोई टारगेट लेके चल हाँ, रहे हो क्या आप? नहीं, टारगेट नहीं लिया था, बट आफ्टर आई टुक वो सीधा नीचे ही आया। नीचा है लेकिन 22 रुपए तो गेन कर रहा है अभी भी। खैर, आप स्टॉप लॉस लगाते हो ट्रेड्स पे आरती मैम? नो सत्य साहब स्टॉप लॉस नहीं लगा है, 22 रुपए का गेन हो रहा है, बताओ भाई क्या करना है? आशीष जी, देखिए ओपन एंडेड स्कीम है, लोअर साइड में ना स्टॉप लॉस है, ऊपर में ना टारगेट है। मैडम ऐसा नहीं होता, बाजार में आपको गड़बड़ हो दोनों जाएगा। की तरफ के लेवल्स रखने पड़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल जो है, वही कहीं अटक ना जाए। तो हमेशा इसका हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस इज अ मस्ट एंड प्री डिफाइंड टारगेट शुड बी देयर, कि एक लेवल आया तो मैं बुक कर लूंगी, मतलब उससे उसके बाद, क्योंकि आप ट्रेडर हो तो आपके पास दोनों दोनों लेवल्स होनी चाहिए। मेरे हिसाब से एट दिस लेवल ऑफ 583, 584, 590, 600 के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी पोजिशन बहुत हेवी है आरईसी पीएफसी, जब जब देखिए करेक्शन आता है तो सब लोग इसमें कूद पड़ते हैं, तो इसके चलते चलते काउंटर हेवी हो गया है। तो 600 के ऊपर जाते ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल ऑफ 584 यू शुड बुक योर प्रॉफिट। अगर करेक्शन में कहीं मिलता है 500, 550 के आसपास,
आप उसमें से फिर से लॉन्ग करें, लेकिन बट एट दिस दिस इज नॉट द लेवल टू इंटरलॉक। क्विकली एक सवाल और नेहा मैम, अगला सवाल आपका। जी सर, आई हैव 100 शेयर्स ऑफ केएनआर व्हिच आई बॉट एट 57 रुपीस, सो आई जस्ट वांटेड टू चेक शुड आई कीप इट या फिर इसको निकाल दें। केएनआर 57 रुपीस, ये किसने दिया आपको? ये हमने खुद लिया है सर। ये भी बढ़िया था, ठीक है 360 पे चल रहा है सतपुते साहब, ये भी मल्टीबैगर है मैम का भाई। अच्छा इस केस में करें क्या, केएनआर कैसा लगता है, क्या एक्विजिशन कॉस्ट जो थी एटलीस्ट वो निकाल लूं या बने रहूं, क्या करना चाहिए? आशीष जी आपने बिल्कुल सही कहा, जो एक्विजिशन कॉस्ट है, जो आपका आपकी लागत है वो निकाल दीजिए, बाकी जो उसे पड़े रहने दीजिए, क्योंकि काउंटर इतना बुरा नहीं है, 340 350 के आसपास सपोर्ट लेता है, थोड़ा बहुत न्यूज के कारण थोड़ा बहुत इंपैक्ट दिखता है बाजार के सामने, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन इतना बुरा नहीं है। लेकिन इतना तो क्लियरिटी है, दिख रहा है कि यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर 340 का लेवल सस्टेन करता है, यहाँ से बाइंग आती है, तो ये फिर से 400 के पार जाएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन चार्ट अभी ऐसा लग रहा है कि एक रेंज में है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और आरती मैम आपका अगला सवाल। आरती मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। आई हैव अ 500 शेयर्स ऑफ भारती एयरटेल वर्थ रुपीज 1503। ये भी ट्रेडिंग वाला मामला था आरती जी। हाँ। भारती एयरटेल 62 रुपए का लॉस, सतपुते साहब क्या करा जाए? आई थिंक इट्स एन एग्जिट, उनका टेक्निकल स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 1438 है, आज रिजल्ट के बाद यहाँ पे पिटाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि और थोड़ा करेक्शन आ सकता है, और क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आई थिंक यू शुड क्लोज योर ट्रेड। चलिए इस नोट पर नेहा मैम, रूबी मैम, आरती मैम, रूबी मैम सॉरी अपन की बहुत डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई, वो आवाज़ का इशू आ रहा था, पर आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। सतपुते साहब थैंक यू सो मच, क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के CEO साहब से बैठ गए, शायद दिखेंगे आपको, उनसे बातचीत करें। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, और Q1 में मदरसन सुमी वायरिंग का जो परफॉर्मेंस था, पहले आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। साल दर साल आय में 17%, इबीटा में 15% और मुनाफे में 21% का उछाल, मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, पर इन नंबर्स की डिटेल समझने के लिए इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी CEO अनुराग गहलोत साहब जुड़ते हुए। गहलोत साहब गुड आफ्टरनून, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। ये जो Q1 का परफॉर्मेंस था डिसेंट दिख रहा है रेवेन्यू फ्रंट पे, पर अगर इसे आप ब्रेकअप कर सकें किस तरह का एक्सपोर्ट मार्केट का, किस तरह का डोमेस्टिक मार्केट का परफॉर्मेंस रहा इस क्वार्टर सर? बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज पर हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए। Q1 जो है काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू के साथ आया है। अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल की जो ग्रोथ है वो 6% के करीब है, जबकि MSV की जो ग्रोथ है वो करीब करीब 17% के करीब है। और ये दो कारणों की वजह से, एक तो जो वॉल्यूम बढ़े हैं कस्टमर के पास, एक उनसे इम्पैक्ट आया है, दूसरा जो कस्टमर ऑफ कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, वो लोग फीचर रिच गाड़ियाँ पसंद करते हैं लेने। तो जब आप फीचर रिच लेते हैं तो उससे अपग्रेड आ जाता है गाड़ियों में, और वहाँ पर जो है कंटेंट ऑफ वायरिंग हार्नेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो MSV की सेल है वो डायरेक्टली लिंक है जो टॉप मॉडल जो है OEMs बनाते हैं। अनुराग सर, अच्छा ये नए प्रोडक्ट लॉन्चेस खास तौर पे EV सेगमेंट में क्या प्लान कर रहे हो आप? जैसे मैंने आपको बताया कि जो कस्टमर ऑफ कस्टमर हैं वो आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो हैं वो फीचर रिच मॉडल को लेना चाहते हैं, टॉप ऑफ द टॉप लाइन मॉडल खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे भी तो पैसेंजर व्हीकल के अंदर जो SUV सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है आज की तारीख में, और जैसे ही फीचर रिच मॉडल होता है उसके अंदर अपग्रेड आता है, और अपग्रेड आने के साथ साथ कंटेंट ऑफ वायरिंग हार्नेस बढ़ जाता है। आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन जो होते हैं, जो फीचर्स हैं वो आते हैं, और उनके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सर्किट्स की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से वायरिंग हार्नेस का कंटेंट जो होता है वो हाई हो जाता है। तो अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो ऑब्वियसली MSV उससे काफी लाभ मिलेगा।
क्योंकि हाँ जैसा मैंने बताया कि इस समय क्वार्टर वन के अंदर भी जो है मार्केट जो है वो 6% से बढ़ी है पैसेंजर व्हीकल की, और हम 17% से हम अपने आप को बढ़ा पाए हैं। तो आपके मार्केट शेयर गेन्स हुए इस क्वार्टर में. चलिए अनुराग जी, बढ़िया. आज वैसे स्टॉक मजबूत खुला था, थोड़ा ऑपरेशन से ठंडा पड़ रहा है और इस समय फ्लैट नोट पे कामकाज करता हुआ. थैंक यू सो मच गहलोत साहब जुड़ने के लिए. क्विकली अब सास बो सेंसेक्स में समेटने का समय आ गया है, ब्रेक का वक्त है. ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा और ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए मिड कैप मंथ. नमस्कार.